झारखंड में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड कांग्रेस कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे। राजेश ठाकुर ने कहा कि गणतंत्र दिवस को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन संकल्प लेते हैं कि संविधान का रक्षा करेंगे, उसको बरकरार रखेंगे। आज ही के दिन हम लोगों का संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान लागू हुआ था, देश में गणतंत्र की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 के दिन, और आज हम लोग इसको पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं और ये प्रण लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि संविधान जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था उसकी रक्षा करेंगे, उसको बरकरार रखेंगे और जो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की बात है उसको आगे मजबूती के साथ लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। आज का दिन सब लोगों के लिए उत्साह का दिन है और सभी झारखंड वासियों को मैं आप सभी के तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। वर्तमान समय में हर को लेकर के देखिए जिस तरह के बीच में हालात पैदा हुए हैं उसमें निश्चित रूप से हम सबों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा कैसे हो, और आदरणीय राहुल गांधी जी आप जानते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि संविधान को कैसे अक्षुण रखना है, कैसे संविधान में जो बातें निहित है उसको पूरे देश में एक साथ लेकर के चलना है। तो हम लोग पूरी तरह से समझते हैं कि संविधान की जो मर्यादा है उसको बरकरार रखना जरूरी है, हमारी प्राथमिकता है। संविधान में समय समय पर कई संशोधन हुए हैं, जरूरत पड़ने पर होते रहते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।